वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसेट्स और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। सो एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो एंड तक देखते रहिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एसेट्स क्या चीज़ होती है? देखिए, एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा लाके डालती है ना। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं या आप कोई एक आप इन्वेस्टर हैं, सो उस पैसे से या उस पैसे से जो सेविंग होता है, उस सेविंग से आप जो एसेट्स क्रिएट करते हैं, है ना, तो उन वो एसेट्स बताते हैं कि वो आपकी जेब में पैसा ला के दे रहे हैं या पैसा आपकी जेब से लेके जा रहे हैं। सपोज़ कीजिए, आपने आपको सैलरी मिली, ठीक है, आपने क्या किया कि चलो मैं बाइक ख़रीदता हूँ, ठीक है, तो बाइक क्या है? आप पहले बाइक खरीदने से पहले सोचिए कि बाइक है क्या, वो आपकी जेब में पैसा ला के डालेगी या आपकी जेब से पैसा लेके जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बाइक खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें पेट्रोल डलेगा, ठीक है, पेट्रोल डलेगा, उसका मंथली आपको मेंटेनेंस है, वो भी आपको केयर करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरा बाइक के बिना काम चल सकता है तो आप बाइक के बिना रहिए, है ना, तो क्यों आप फालतू की लायबिलिटी अपने सर पे लेते हैं। अगर आपका बाइक के साथ ही काम चलता है तो वो आपका एक तरीके से एसेट, सो वो आपको ऑफिस लाती ले जाती है, तो वो एक तरीके से आपका एसेट हो गया। सो बाइक परचेज करना उस सिचुएशन में आपके लिए बेटर होगा। सो इसमें एसेट्स आपके आ जाते हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सो प्रॉपर्टी क्या है? आपको रेंटल इनकम देती है, तो प्रॉपर्टी आप खड़ी कर देते हैं या कोई आप पीजी बना देते हैं तो वो भी आपको एक रेंटल इनकम दे देती है, तो वो भी एक एसेट हो गया आपका, क्योंकि वहाँ से आपकी एक इनकम सोर्स क्रिएट हो गई। तो यही होता है कि जिन जिन तरीकों से आपकी इनकम सोर्स क्रिएट हो जाती है, वहाँ से आपका पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है, जिन चीज़ों के लिए आपको एक बार काम करना है और दोबारा उन चीज़ों के लिए आपको काम नहीं करना है, बस उनको मैनेज करना है, तो वो एक तरीके से आपके एसेट ही हो जाते हैं। और लायबिलिटी क्या होती है? देखिए, आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो आप देख लीजिए कि ये चीज़ आपकी जेब से पैसा लेके जा रही है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक बाइक है लेकिन आप एक शौक के लिए आप दूसरी हायाबूसा खरीद रहे हैं, तो वो एक लायबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा लेके जाएगी, यानी कि उसमें जो पेट्रोल का खर्चा होगा, जो एक्सपेंस होगा, वो आप उठाएंगे, ठीक है। आप एक कार खरीद रहे हैं, अगर आपके पास घर में ऑलरेडी एक कार है जिससे आपका काम चल सकता है तो आप दूसरी कार क्यों खरीद रहे हैं? वो एक तरीके से आपके लिए एक लायबिलिटी हो गई, है ना। अगर आपका एक घर है जिसमें आप रह रहे हैं तो आप दूसरा घर क्यों बना रहे हैं, है ना, वो भी रहने के लिए, तो वो भी एक तरीके से आपकी लायबिलिटी होगी। अगर आप उस घर को बना के रेंट पे देते हैं तो वहाँ से एक इनकम सोर्स जनरेट होती है, तो वहाँ से वो आपका एक एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, इस पॉइंट को ना बड़े ध्यान से सुनिए, हमारी पूरी लाइफ एसेट और लायबिलिटी के बीच में ना अटकी हुई है, ठीक है। देखिए, अगर हम अपने पैसे का सही यूज़ करके उसे एसेट में कन्वर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होगी। अगर हम उस पैसे को जैसे ही हमारी जेब में आया और उस पैसे को हमने उड़ा दिया फुर करके, यानी कि हमने लायबिलिटी परचेज कर ली, बेसिकली मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है और वो चीज़ आप फिर भी ख़रीद रहे हैं तो वो लायबिलिटी है। अगर आपके पास शर्ट है, कपड़े हैं और फिर भी आप शौकीनियत के लिए और कपड़े खरीदते जा रहे हैं तो एक तरीके से लायबिलिटी है। देखिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत है नॉर्मली वही चीज़ें रखिए, और बेकार की जो चीज़ आप एक्स्ट्रा खरीदते हैं वो लायबिलिटी है, वो किसी दूसरे की जेब में पैसा जा रहा है। कंपनीज़ प्रचार कर रही हैं, आपको फोर्स कर रही हैं ख़रीदने के लिए और आप ख़रीद रहे हैं और उनकी जेब में पैसा जा रहा है और उनकी जो कंपनी है वो बड़ी होती जा रही है, बट लेकिन आप तो एक तरीके से गरीब ही होते जा रहे हैं ना। मान लो आप सपोज़ कीजिए आपने 20,000 रुपये की सैलरी है और आपने 20,000 रुपये कमाए, और जैसे ही आपने 20,000 रुपये कमाए और उसके बाद आपने उसको खर्च करना स्टार्ट कर दिया, है ना, मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी उन वो चीज़ें भी आपने ख़रीदनी स्टार्ट कर दी, फ़ोन की EMI दे दी। अगर पुराना फ़ोन से काम चल रहा है तो नया आईफोन लेने की क्या ज़रूरत है, है ना। आईफोन हर साल नए मॉडल निकालता है, बस उसका काम है हर साल नए मॉडल निकालने का, है ना, उसका तो बिज़नेस चल रहा है। तो आपको ज़्यादा, अगर आपका पुराना आईफोन अच्छे से काम कर रहा है तो उसे ही अपग्रेड कर लीजिए, ठीक है ना। बट लेकिन ये नहीं है कि आप हर साल नया खरीदेंगे, ठीक है, तीन साल में आप फ़ोन खरीदते हैं तो वो डिज़र्व करता है कि हाँ यार, 2-3 साल में फ़ोन चेंज कर देना चाहिए, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर साल आईफोन आ रहा है तो हर साल आईफोन खरीदना, है ना, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी खरीदनी। अगर तुम्हारे पास कपड़े हैं तो बस भरमार कपड़े लगाए जा रहे, वो सब चीज़ें गलत है। ये सब चीज़ें लायबिलिटी हैं, ये ना आपका आपकी जेब से पैसा लेके जा रही हैं, ये सब चीज़ें आपको पता भी नहीं चल रहा और आपकी जेब से पैसा चोरी कर रही हैं कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आप पे अटैक कर रही हैं और आपकी जेब से पैसा ले जा रही हैं, आपकी मेहनत का पैसा आपकी जेब से जा रहा है। ये जो आप एडवर्टाइजिंग देखते हो ना टीवी पे, बार बार आता है,
है ना। आपने देखा होगा, आप कुछ भी काम कर रहे हो, एकदम से जोमेटो का ऐड आ जाता है, देखना जोमेटो का ऐड ज़्यादातर ना आपको 2 या 2.5 एक 1.5 बजे के आसपास ही एक्टिव रहते हैं जोमेटो वाले, क्योंकि आप उस टाइम पे जैसे जोमेटो देखेंगे तुरंत आप जोमेटो पे ऑर्डर करेंगे, कॉल करेंगे और एक कोई ना कोई उनका प्राइस, कोई ना कोई उनका राशन, खाना पीना उनका सेल हो जाता है, बिक जाता है। ठीक है, जैसे ही नया फ़ोन आता है एडवर्टाइजमेंट तुरंत स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है एडवर्टाइजमेंट तुरंत स्टार्ट? क्योंकि उन्हें पता होता है जब महीने का लास्ट होता है ना तब एडवर्टाइजमेंट ना बहुत तेज़ हो जाती है। क्यों होती है महीने के लास्ट में एडवर्टाइजमेंट बहुत तेज़? क्योंकि उस टाइम पे कंपनीज वालों को पता था कि अब इसकी जेब में पैसा है, और जैसे ही आपकी जेब में पैसा आता है तुरंत ये कंपनीज वाले आपके ऊपर अटैक कर देते हैं, निकालो पैसा। सो आपको खुद सोचना पड़ेगा अपने दिमाग से क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी है। तो इन्वेस्टमेंट उसी चीज़ में करना जो आपको एसेट क्रिएट कर दे, है ना। तो घर लेना लाइबिलिटी भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। अगर घर में खुद रह रहे हो तो लाइबिलिटी है भाई, क्योंकि जब एक घर में रह रहे हो तो दूसरा घर लेने की क्या जरूरत है। यानी कि एक घर मेरा मुजफ्फरनगर में है, दूसरा घर मैं मेरठ में क्यों बनाऊँ, है ना, जब मेरा मुजफ्फरनगर वाले से काम चल रहा है, और दूसरा घर मैं चंडीगढ़ में क्यों बनाऊँ जब मेरा यहाँ वाले से काम चल रहा है। तो समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप पीजी बनाइए, वहाँ से आपको रेंटल इनकम आएगी, है ना। छोटा सा कोई होटल डाल दीजिए, वहाँ से आपको रेंटल इनकम आएगी। तो इसी तरीके से अलग अलग एसेट बनाइए अपने। सो लाइबिलिटी में मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, जब भी आप मार्केट में जाएं, ठीक है, और कोई सामान परचेज करें, ठीक है, कोई गुड्स आप परचेज करना चाह रहे हैं, तो रुको, ठहरो, देखो, है ना। आप सामान देख के आ जाओ, एक दिन वेट करो, और फिर नेक्स्ट डे आप सोचो कि अब मेरे को इसकी ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, हमारी माइंड की कंडीशनिंग कुछ ऐसी कर दी गई है कि जैसे ही हम कोई चीज़ देखते हैं ना तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और जैसे ही अट्रैक्टिव लगती है तो वैसे ही उसको ख़रीदने का हमारा मन करता है, और जेब में पैसा होता है तो हम तुरंत उसको ख़रीद लेते हैं। और आज की डेट में आपने देखा होगा पेटीएम, फ़ोनपे, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं। तो अब ना हमारा ना मतलब बिल्कुल सोचने का जो है एकदम से एक्शन लेने की, बस यहाँ चीज़ पसंद आई पेटीएम कर दो, यहाँ चीज़ पसंद आई फ़ोनपे कर दो, यहाँ चीज़ पसंद आई गूगल पे कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जेब से पैसा लेके जा रही है, तो इन चीज़ों पे बहुत खास कर ध्यान रखिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं ना तो उस पर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। उसको ऐड टू कार्ट कर दीजिए, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आप देखिए कि एक दिन बाद, अरे यार ये मैंने ऐड टू कार्ट किया था, ये तो मुझे खरीदना नहीं, इस चीज़ की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो गैप लीजिए, एक दिन का गैप लीजिए, 1 घंटे का गैप लीजिए, 2 घंटे का गैप लीजिए, और सोच समझ के तब उस चीज़ को खरीदिए, ये एसेट है कि लाइबिलिटी है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। सो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस। तो आप बहुत ही ध्यान से फोकस कीजिए, समझिए कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। देखिए ये एसेट है कि ये लाइबिलिटी है, आपकी जेब में पैसा डाल रहा है कि आपकी जेब से पैसा लेके जा रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।